नमस्कार साथियों, मैं पंकज चौधरी। मैं एक पोएम आपको आज सुनाना चाहता हूँ जो कि हमारे नर्सिंग ऑफिसर साथी खेम सिंह के लिए मैंने लिखी है। पिछले उनकी असमयकालीन मृत्यु हो जाने के बाद 2-3 दिन से मैं सोच रहा था कि कुछ उनके लिए लिखा जाए, तो मैंने ये कविता उनके लिए लिखी है। और उनका असमयकालीन हमें छोड़कर जाना उनके और हमारे, उनके परिवार और हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत दुख की घड़ी है। मैं ये कविता उनको अर्पित करना चाहता हूँ। आज मेरा दिल है जख्मी, आज मेरा दिल है जख्मी, पर मेरी सांसों में है मगरूरी, पर ये बात भी बतलाना है ज़रूरी, पर ये बात भी बतलाना है ज़रूरी। तुम पूछना तुम सवाल उनसे, पूछना तुम सवाल उनसे, जो बचाता था उन मजहूल सांसों को, जो बचाता था उन मजहूल सांसों को, वो खुद की सांसें बचा ना पाया, वो खुद की सांसें बचा ना पाया। तुम ये सवाल देखना क्या ज़रूरी थी, तुम ये सवाल देखना क्या ज़रूरी थी, सांसें भी उसकी, या था ज़रूरी उसका कुर्बान हो जाना, या था ज़रूरी उसका कुर्बान हो जाना। मिला होगा वो भी मौत के फरिश्तों से, मिला होगा वो भी मौत के फरिश्तों से, मौत से पहले पूछा होगा क्यों आए हो, पूछा होगा क्यों आए हो। मैं हूँ यहाँ सांसें बचाने इन मरीजों की, पर वो इस बात से महरूम था, पर वो इस बात से महरूम था। ये आए हैं ले जाने सांसें तेरी, ये आए हैं ले जाने सांसें तेरी। तुम पूछना सवाल उनसे, तुम पूछना सवाल उनसे, तुम सोए सारी रात चैन से, तुम सोए सारी रात चैन से, वो सोया ना आखिरी रात भी चैन से, वो सोया ना आखिरी रात भी चैन से। अरे तुम ना पिघले, अरे तुम ना पिघले, वो मर्मम दस्य देख के, अरे तुम ना पिघले, वो मर्मम दस्य देख के। जब 1.5 वर्ष का बालक बुला रहा बाप को तस्वीर से, जब 1.5 वर्ष का बालक बुला रहा बाप को तस्वीर से, और एक बाप बुला रहा अपने बालक को तस्वीर से। तुम भी जाओगे उस खुदा की कायनात में एक दिन, तुम भी जाओगे उस खुदा की कायनात में एक दिन, जब देना जवाब तुम क्या उसकी सांसें भी थी ज़रूरी, तुम देना जवाब क्या उसकी भी सांसें थी ज़रूरी। देना जवाब तुम उस खुदा को, देना जवाब तुम उस खुदा को, क्या थी मजबूरी, अरे क्या थी मजबूरी, या थी तुम्हारी कोई चाल उसको, क्या थी तुम्हारी कोई चाल उसको, जो देना सके जीते जी तुम एक पत्र, जो जीते जी देना सके तुम एक पत्र। धन्यवाद साथियों, यह मेरे एक पोएम थी उनके लिए, और हमें बहुत ही दुख है उनका असमयकालीन चले जाना। भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे। नमस्कार।